कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर के बीजेपी टिकट के रिमार्क पर दिया अपना रिएक्शन। उर्मिला मातोंडकर ने भी दिया कंगना रनौत को करारा जवाब। साथ ही बॉलीवुड में ड्रग्स के बात को लेकर कह दी ये बड़ी बात। दोनों एक्ट्रेसेस के बीच छिड़ गई है जंग। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़ा ड्रग्स विवाद इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने मंगलवार को सांसद में बिना किसी का नाम लिए अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन और कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया को फिल्म जगत से जुड़े लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। कुछ इसी तरह का समर्थन जब उर्मिला मातोंडकर ने किया तो कंगना और उनके बीच कहासुनी हो गई। वेल, बात तब आगे बढ़ गई जब कंगना ने रिपोर्टेडली टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न अभिनेत्री कह दिया और बीजेपी टिकट के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर दो तरह की राय देखने को मिल रही है। वेल, कंगना ने ये स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मुझे स्वयं पर विश्वास है कि मैंने जीवन के साथ समझौता नहीं किया है। मेरे इर्द गिर्द जो दबाव था मैं उसके आगे झुकी नहीं हूँ। मुझे टिकट के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वे मेरे संघर्षों का मजाक बना रही है। वो खुद एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं जानी जाती है। दरअसल उर्मिला ने जया बच्चन का सपोर्ट करते हुए कंगना के लिए कहा था कि इस तरह राजनीतिक मामले में पड़कर कंगना बीजेपी का टिकट चाहती है। अब इसी मुद्दे पर जया बच्चन का साथ देते हुए एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने NDTV से खास बातचीत की है। उर्मिला ने कहा कि कंगना का ये बयान पूरी तरह से गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उर्मिला कहती है, कुछ लोगों से अपनी निजी खुन्नस की वजह से इस तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। उर्मिला आगे कहती है कि मैं कंगना से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें इस पूरे सफर में एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। उन लोगों की इज्जत करे जिन्होंने कभी न कभी तुम्हारी किसी भी रूप में सहायता की है। इतना ही नहीं, उर्मिला ने एक और शॉकिंग स्टेटमेंट देते हुए कंगना से कहा कि पूरा देश ड्रग्स के खतरे का सामना कर रहा है। क्या उन्हें पता है कि जहाँ से वो आती है यानी हिमाचल प्रदेश खुद ड्रग्स का एक गढ़ है। कंगना को सबसे पहले अपने राज्य से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। उर्मिला ने कंगना के बयानों पर निशाना साधते हुए आखिर में कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति हमेशा चिल्ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच बोल रहा हो। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा चिल्लाने की। कंगना विक्टिम कार्ड खेलती है और उसके फेल होने पर वुमन कार्ड। वही उन्होंने कंगना रनौत के संस्कारों पर भी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि कौन सी लड़की है जो एक सभ्य संस्कृति से आती है इस तरह की बातें करती है। वेल, कंगना रनौत और उर्मिला मातोंडकर के बीच इस जंग में सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी राय रखी है। ज्यादातर लोगों ने कंगना को सपोर्ट करते हुए उर्मिला को किया है ट्रोल। आइए डालते हैं उन कॉमेंट्स पर एक नजर। वेल, आप हमें बताएं इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।